हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस पीओ प्री 2020 में 3 अक्टूबर के सभी स्लॉट्स के एग्जाम्स और हो चुके हैं। एग्जाम में का लेवल भी आप लोगों ने देखा। क्वांट का कंपेरेटिवली तीनों में ही, अगर क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश देखें तो क्वांट का लेवल थोड़ा मॉडरेट था कंपेरेटिव टू अदर्स। और लास्ट ईयर से भी आप कंपेयर करें तो क्वांट का लेवल अप, राइट। तो आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली है जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, 10th और 11th को जिनका एग्जाम है उनके लिए है। तो जो भी मुझे क्वेश्चन से मिल पाए वो क्वेश्चन मैं आपसे इस सेशन में शेयर करूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखें, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के जिस भी स्लॉट में आया, एक चीज जरूर देखने को मिली कि क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन जिन भी स्लॉट्स में आए बहुत आसान, राइट। तो उनके लिए तो पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं। नंबर सीरीज जरूर, जो रॉन्ग नंबर सीरीज आई कुछ वो डायरेक्ट नहीं थी, वो थोड़ा पैनिक किया क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट सीरीज आपको देखते ही आइडेंटिफाई नहीं होती है तो आपको पैनिक कर जाती है, टाइम भी ले जाती है। पहला देखिए, लीनियर इक्वेशन है 2x+3y = 52, 5x-2y = 60। तो आप इसको इक्वेट करने के लिए क्या करें अपने भाई, या तो भाई इसको मैं पूरे को 2 से कर लूं, इसको 2 से करें और इसको 3 से करें, तो क्या इक्वेशन निकल के आएगी, 4x+6y = 104। और यहाँ 10x - 10 क्या 15x हो गए, 15x से 3 से करूंगा -6y = 40। अगर दोनों को अपने सम करें तो ये तो कैंसिल आउट हो गया है, 19x = 48 और 152, x = राइट। तो अगर 152 का 19 में मैं देखूं तो आई थिंक कितनी बार चला गया, 9, 8, 72, 8 बार चला गया। तो x की वैल्यू यहां से मेरी 8 निकल के आ गई। x की वैल्यू 8 अगर मैं यहां पुट करूं तो 40 में से 16, 40 में से अगर 16 गए तो 24, वाई आई थिंक 12 हो, वाई 12 हो जाएगी भाई, 8 पे जो 40, 40 में से 16 24, 24 बटा 2 क्या हो गया, एक्स इज स्मॉलर देन वाई। नेक्स्ट अगर देखें तो आप देखिए, एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी और वाई की भी दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब आप देखिए, 6 के ऐसे दो पार्ट जो जुड़ के 5 हो तो ये 3 और 2 हो गए, तो वैल्यूज भी डायरेक्ट यही आ गई। और वाई की 6 और 1 तो 6/2 और 1/2, तो ये भी आपकी 3 होगी, राइट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 3 से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ तो इक्वल है और यहाँ छोटा है, और यहाँ 2 से करोगे तो बड़ा है, तो सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किस तरह से कोई क्वेश्चन आया, एक्स की क्यूब दे दी, वाई की क्यूब दे दी, फिर कंपेयर करना। तो एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब और वाई क्यूब, आपको जब जैसे ही नजर आ रहा है कि दोनों का क्यूब है और एक ही वैल्यू आएगी दोनों की, एक्स की भी एक वाई की भी एक, और दोनों ही पॉजिटिव होंगी, तो जो संख्या बड़ी है उसी का मान बड़ा है। तो यहां देखते ही आपको लग रहा है कि एक्स इज स्मॉलर देन वाई, मुझे कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। निकालोगे तो आपको दिख रहा है एक्स की 5 है और वाई की 8 है, तो एक्स इज स्मॉलर। लेकिन यहाँ वैल्यू निकालने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, आपको पता है कि वैल्यू एक आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो जिसका एक्स क्यूब की वैल्यू 125 है, वाई क्यूब की 512 है, तो ऑब्वियस है एक्स इज स्मॉलर देन वाई। एक इस तरीके का भी आया जिसमें एक में क्यूब में वैल्यू दी हुई थी, दूसरे में स्क्वायर में दी हुई थी, राइट। तो एक्स की क्यूब, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, एक्स की क्यूब है तो एक्स की तो 11 आ गई, 11 का क्यूब 1331 होता है। और वाई की दो वैल्यू आई, एक आई +12 और दूसरी आई -12, तो क्या हुआ, यहां भी एक्स इज स्मॉलर देन, नहीं यहाँ सी एन डी आ गया, यहाँ सी एन डी आया क्योंकि एक्स की 11 है, यहाँ तो ये छोटी है लेकिन माइनस से बड़ी है, तो यहाँ ये वैल्यू सी एन डी निकल गया। ये कुछ नंबर सीरीज है, देखिए कल आपके 3 स्लॉट में नंबर सीरीज थी जिसमें से एक स्लॉट में मिसिंग थी और 2 में रॉन्ग नंबर सीरीज। तो 7, 26, 63, 124 और क्वेश्चन मार्क देखते ही अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो ये 5 का क्यूब -1, ये 4 का क्यूब -1, ये 3 का क्यूब -1 और ये 2 का क्यूब -1। तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब -1, 215 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड देखें, 35 है, 43, 53, 65, देखते ही आपको डिफरेंस का लग रहा है,
ये आपका 43 और 10 तिरपन, तिरपन और 52, तो 8 दो दो का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर मैं देखूं तो इनको पूरे ट्रायंगल को जोड़ लीजिए भाई, 6 और 1 70, 5 और 7 9 79 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें 4 6 12, ये बिल्कुल डायरेक्ट है, ये स्लॉट 1 के क्वेश्चन है बिल्कुल। और आप चारों स्लॉट को कंपेयर करें तो क्वाड फर्स्ट स्लॉट में आसान थी इन कंपैरिजन टू अदर थी। तो 4 का 1.5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2.5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 3.5 टाइम्स कर दीजिए, 270 और 45 315। 31 है 24, 31.9, 23.1, 32.1। अगर मैं अल्टरनेटिव सीरीज की पॉसिबिलिटी देखूं तो यहाँ प्लस 0.9 है और यहाँ भी प्लस 0.9 है, और यहाँ अगर मैं देखूं तो माइनस 0.9 है, तो ओबियस अगला क्या आ जाएगा, 23 में से 0.9 यहाँ भी माइनस का 0.9 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 22.22.2 में 9 जोड़ 0.9 जोड़ोगे। और इसको आप डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 310, 240, 319, 231, 328 उसे भी निकाल सकते हो, अगर डेसिमलों में आपको प्लस माइनस करने में अनकंफर्टेबल आप रहते हो। अब ये कुछ रोंग नंबर सीरीज के हैं, देखिए पहला 1 है, 8 है, 18 है, 81 है, 105 है और 321 है, राइट। तो अगर आप देखें तो अगर मल्टीपल की पॉसिबिलिटीज एक बार के लिए अपने देखें तो ये 2+2 आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा और ये भी आगे नहीं आ रहा, और आप यहाँ देखें तो बिल्कुल ही डाइल्यूट हो गया है, ये तो 1.5 गुने से भी कम है, तो गो फॉर डिफरेंस। ये 7 का डिफरेंस है, ये 10 का डिफरेंस है, ये 18 और 81, ये हो गया 63, 63 और 71 दस 81, ये 19 और 5 24 और ये 105 और 321, तो कितना हो गया 321 में से 216 हुआ क्या 216। अब यहाँ अगर 7 10 63 इन डिजिट्स को, आई थिंक 63 दिखते ही आपके थोड़ा सा ये होगा कि 4 का क्यूब -1 है, तो यहाँ क्या पोजिशन आई, 2 का क्यूब +2 है लेकिन वो तो कोई बैठा नहीं, तो अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर +1 हो सकता है और ये 2 का क्यूब -1, 2 3 4 8 और 18 10 और ये हो गया 24, तो ये वापिस 5 का स्क्वायर -1 और ये 6 का क्यूब हो गया, राइट। तो आई थिंक ये 320 यहाँ अगर, बट ये 300 स्क्वायर -1 कुछ गलत हुआ लगता है, 2 का क्यूब -1 7 हो गया, ठीक है, 10 3 का स्क्वायर +1 और ये 4 का क्यूब -1। अगर 3 का स्क्वायर इसको -1 में करूं तो ये 8 हो जाता है, तो ये 16 16 होते ही ये 65, 4 का क्यूब +1 हो जाता है, तो यहाँ आई थिंक कुछ ना कुछ इसमें फ्रेमिंग में गलती रह गई लगती है। ओके ओके, बट ये सीरीज कुछ ऐसी थी, 2 का स्क्वायर क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर, या तो इसमें अल्टरनेटिव थे, अल्टरनेटिव अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का क्यूब -1 और 5 का स्क्वायर, एक सेकेंड के लिए +1 अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा फिर 26, 26 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 107 आएगा, और 107 आते ही यह पोजीशन क्या होगी, 214, 214 हुई, तो ये 6 का क्यूब -1, ये 214, तो ये नहीं, ये आई थिंक 3 1, ये 320 रहा है और ये 215 हो गया, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, 320 इसको करेक्ट कर लीजिएगा रहा होगा इसमें, राइट। तो 321 या 322, 322 रहा होगा, 322 कर लीजिए इसको, तो 107 करते ही 312 बन, 215 बन गया होगा, 322 इज द करेक्ट। 670, 677, 663 ये भी एक अल्टरनेटिव सीरीज बन गई, 670 और 663 ये -7, ये भी -7, ये मैं देखूं तो +7 और इसको मैं प्लस करूं तो ये 691 बन जाए। नेक्स्ट आप देखें 300, 281, 264, तो आप देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है लेकिन डिवीजन का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो गो फॉर
डिफरेंस ये आपका -7 हुआ, ये -9 हुआ, ये आपका 49 से माइनस का 15 हो गया 64, और ये 17 हो गया, और ये 19 हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा आप देखिए, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है। तो अगर 15 9 24 है, अगर मैं इसका 11 करूंगा तो ऑब्वियस है ये 13 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 15 15 प्लस 9 24 सम है इन दोनों का, 240 और 264 के डिफरेंस का। तो आप जैसे इसमें करेक्शन लगाओगे 11 वाला, तो ये अपने आप ही 13 बचेगा और आपकी सीरीज कंप्लीट। 2.1 3.8 7.2, तो इस तरह के जब भी 0.5 0.25 के अलावा जो पॉइंट्स होते हैं वो इन जनरल क्या बनते हैं आपके, ज्यादा पॉसिबिलिटी उसमें डिफरेंस की होती है। तो आप इसको पॉइंट को मत मानिए एक बार, 21 तो ये हो गया 17 तो 1.7 लगा दीजिए, 38 और 72 तो ये 34 तो 3.4। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 17 था 34 था, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये 17 का 1.7 का मल्टीपल में हो, दूसरा है कि ये डबल हो, तो 6.8 तो ये है नहीं। तो अगर मैं 5.1 का इसमें पॉसिबिलिटी देखूँ तो 7 5 12 12.3, अगर ये 12.3 यहाँ 12.3 अगर हो जाता है तो यहाँ क्या पोजीशन निकल के आई 7.2, और वही आपको 6.8 हुई, 12 6 18 और 19.1, बिल्कुल 17 34 51 68, तो अगला 85 आ रहा है क्या आप देखिए, 19 8 27 27.6 एक करेक्ट। एक और सीरीज थी 2 4.5 11 30 92, आपको देखते लग रहे है तो मल्टीपल, तो मल्टीपल में थोड़ा सा अगर मैं यहाँ देखूं 11 बनाने की कोशिश तो प्लस 2 हो रहा है, तो पीछे आऊं तो इसको अगर 1.5 प्लस 1.5 करूं तो ये भी बन गया रहा। ये 2.5 प्लस 25 पे मैं चेक कर लूं, 11 को 2.5 से करोगे तो 22 और 5.5 और जोड़ोगे 27.5 और 25 30, तो इनटू 3 प्लस 3 तो ये 93 हो गया। इसको टिक करें, इसको आगे आप चेक भी करेंगे तो चेक हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए कैसले डी आई कर ले, आई थिंक सभी स्लॉट्स में आई, किसी में 2 नंबर की आई, किसी में 5 की आई, किसी में 4 की आई, सभी में आई। सम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंडेड एनुअल फंक्शन आउट ऑफ ए टोटल स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, गर्ल्स वर 60%, ये मान लो बॉयज हो गए, या यूं लिख लो मैं, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, ये तो इनके टोटल हो गए मान लो, और ये इन्होंने जो अटेंड किया वो हो गए अटेंड द फंक्शन। अब इसने दिया है कि सम आउट ऑफ द गर्ल्स वर 60%, सम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंडेड एनुअल फंक्शन आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, राइट, गर्ल्स वर 60, हाँ लास्ट में दिया, देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज आर इन रेशियो 5:6। तो आप ये मान लीजिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये जरूर ध्यान से देखिए, तो बॉयज अगर 5x हैं तो ये 6x हैं, पहला काम ये कर लीजिए। अब अटेंड जो फंक्शन किया है वो क्या, एनुअल फंक्शन आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, गर्ल्स वर 60% ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स आर 60% किसके, टोटल की नहीं है बॉयज की है, तो बॉयज अगर 100% माने तो गर्ल्स होगी 60% जिन्होंने अटेंड किया। तो एक तरह से आपका क्या हो गया, 5:3 3:5 में गर्ल्स और बॉयज ने अटेंड किया, और ये डिफरेंस इनका 20 दे दिया, बॉयज आर 20 मोर, तो दो पार्ट की वैल्यू आपकी 20 आ गई, एक पार्ट की आ गई 10। तो इसका मतलब गर्ल्स ने कितना अटेंड किया, गर्ल्स ने किया 30 और बॉयज ने किया 50 ने अटेंड, राइट, हु अटेंडेड ओनली 25% गर्ल्स अटेंड द फंक्शन, तो 30 25 ये गर्ल्स का आ गया आपका, तो एक तरह से 6x की वैल्यू आ गई आपकी 30 × 4, 25% वैल्यू है आपकी 30 की, तो 100% होगी 30 × 4 की। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो गर्ल्स तो आ गई 120 और बॉयज आ गए 100, इतने लोग बॉयज थे 100, गर्ल्स थी 120, 100 में से 50 ने अटेंड किया और 120 में से 30 ने। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं तो ये आपके 220 आ गए, दोनों जुड़ गए, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अटेंडेड एनुअल फंक्शन, तो ये 50 आपने अभी निकाला,
नंबर ऑफ बॉयज हु डिडंट अटेंड द फंक्शन ये 50 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स हु डिडंट द फंक्शन, तो गर्ल्स ने 25% ने 120 की 25% ने अटेंड किया, 75 ने नहीं किया तो वो तो 90 है, तो 90 और इनटू, तो ये कितना आ गया आपका, एक सिफर आपकी कट गई। 1/9 कितना होता है 11.11, तो 55.50% इज द करेक्ट। एक छोटी सी डीआई और आई है, कैसलर डीआई, ए बी एंड सी आर 3 पर्संस, ए मेक्स 150 टोटल कॉल्स, ये आगे ए बी सी, ये तो टोटल कॉल्स आगे, ये इनकमिंग कॉल और ये आउटगोइंग कॉल, तीन तरह के होंगे। तो ए मेक्स 150 कॉल्स, ये 150 कॉल करता है, आउट ऑफ विच 40% आर इनकमिंग एंड बैलेंस आर आउटगोइंग, तो इनकमिंग और आउटगोइंग की रेशियो आपका 2:3 आ गया, राइट। तो ये तो 60 हो गए इनकमिंग, तो और ये हो गए 90 एंड बैलेंस। बीज आउटगोइंग कॉल्स आर 50% मोर देन एज आउटगोइंग, तो बी के जो आउटगोइंग है इससे 1.5 गुना हो गई, तो ये 135 आ गए। बीज इनकमिंग कॉल्स आर 40% ऑफ बीज टोटल कॉल, बीज इनकमिंग है वो 40% की कैपेसिटी में, तो 40% ओबियस है ये 60 में, तो 2:3, तीन पार्ट की वैल्यू 135 आपको दे दी, तो एक पार्ट हो गया 45, तो ये हो गए आपके 90 और ये टोटल कितने आ गए 225। सी मेक्स 70 इनकमिंग कॉल्स, सी 70 इनकमिंग करता है और एवरेज ऑफ आउटगोइंग कॉल्स इज 80, इनका एवरेज 80 है, तो इसका मतलब इसका सम कितना हो गया 240, तीन का एवरेज अगर 80 है तो तीन का 80 × 3 = 240, इसमें से आप देखिए 135 और 90 = 225, तो 15 कॉल ये हो गए, तो इसके आगे 80। टोटल इनकमिंग कॉल्स ऑफ ऑल टुगेदर इनकमिंग कितने हो गए 6, 9, 15, 7, 22, तो ये तो 220 आ गया। और फाइंड रेशियो बिटवीन इनकमिंग कॉल ऑफ बी टू इनकमिंग ऑफ सी, तो इनकमिंग बी के कितने हैं, इनकमिंग ऑफ बी है 90 और सी के हैं 70, तो ये 90:70 या 9:7 आ गया। टोटल कॉल्स ऑफ बी इज व्हाट परसेंट टोटल कॉल्स ऑफ ए, टोटल कॉल्स ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ए, तो बी तो है 225 और ए है 150 और इन 200, तो 150 का अगर मैं 1.5 गुना करूं तो 225 आता है, 150% इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकमिंग कॉल ऑफ सी इज हाउ मच परसेंट मोर ऑर लेस आउटगोइंग ऑफ ए, इनकमिंग ऑफ सी, इनकमिंग सी तो 70 है और आउटगोइंग ऑफ ए 90 है, तो 70 - 90 और / 90 और इनटू 100, तो ये आप देखेंगे तो एक सिफर तो आपकी कैंसिल आउट होगी 7 में से 9, तो ये आपका हो गया 2/9 × 100, तो 1/9 और ये माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब लेस, लेस कितना है 1/9 है वो 11.11 है, तो ये 22.22% लेस, 22.2% लेस, राइट। फिर कुछ ये मिसलेनियस अर्थमेटिक है, देखिए रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 एंड बी एंड सी इज 1:1, प्रेजेंट में क्या पोजिशन है, रेशियो ए और बी का जो रेशियो है इसका वो 2:3 है और बी और सी का जो रेशियो है, अगर इसको बी रेशियो सी में और लिखूं तो बी रेशियो सी क्या है 1:2 है, अगर मैं इसको जो कॉमन है बी इसको इक्वेट अपने करें तो 3 से गुणा कर लो, तो ये भी × 3 और ये भी × 3, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका 2:3:6 आ गया। After 4 years sum of their ages will be 67. तो इसका मतलब 3, 2, 5 और 6 11 part की value कितनी आ गई? मैं present में कितनी होगी age? अगर 4 साल 4 years बाद 67 हो रही है तो उसमें 3 × 4 ये minus कर दीजिए तो 55. तो 1 part की value आ गई 5. अब आपको B की age पूछी है तो 3 part की age 3 × 5 15 years is the correct. नेक्स्ट अगर देखें 2% ए एंड बी इन्वेस्ट इन रेशियो 3:2 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मान लो ये ए है और ये बी है, अगर इन्वेस्टमेंट आप इनका देखें तो इन्वेस्टमेंट है 3:2 में, ए इन्वेस्ट फॉर होल ईयर तो इसका मतलब ये तो 12 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट फॉर एक्स मंथ्स ये एक्स मंथ्स के लिए, और प्रॉफिट का जो शेयर दिया है वो 3:1 दिया है,
राइट। तो अगर आप कैंसिल आउट भी करें तो ये 6, तो यहाँ 3 पार्ट की वैल्यू 18 होगी, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? अगर 3 पार्ट की वैल्यू कुछ 3:2 है और ये आपका 12:6 है, राइट। तो 6 × 3 = 18, 3 पार्ट इज इक्वल टू 3 × 6, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 पार्ट ही है, 1 पार्ट की वैल्यू सिर्फ x आ रही है, तो ये हो जाएगी 6, तो 6 मंथ्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पी इन्वेस्ट ₹6,000 इन स्कीम ए एट 12%, ये फॉर 4 इयर्स, एंड क्यू इन्वेस्ट इन स्कीम, क्यू इन्वेस्ट रुपीज इतना सिंपल इंटरेस्ट फॉर, ये कोई दूसरी स्कीम, क्यू इन्वेस्ट इन बी मान लो आपने, तो ए और बी में क्या दिया है? प्रिंसिपल दोनों का इक्वल है, प्रिंसिपल 6000 है दोनों में, और रेट ऑफ इंट दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट है, ए 12% पर एनम है, दूसरा 14% है, और टाइम अगर देखूं तो ये 4 साल है और दूसरा 6 साल। अब डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड बाय बोथ एट मैच्योरिटी, तो ये पी का है और ये क्यू का है, तो अगर अब पी का इंटरेस्ट कितना बना, भाई प्रिंसिपल तो सेम है, तो 100% की वैल्यू एक है, परसेंटेज की वैल्यू एक है आपका, तो ये तो 48% हो गया, और यहाँ 84% हो गए, 48 और 84 को मैं देखूं तो 36% किसका? 6000 का, तो 36/100 × 6000, यही आपका डिफरेंस आ जाएगा, तो दो सिफर आपकी कट गई, 36 × 216 और एक सिफर आगे लगा दो, 1160 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक दिया ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 days, ए प्लस बी प्लस सी 15 days में कर रहे हैं, और ए और सी 20 दिन में कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इसका 60 यूनिट से वर्क लूं, तो ये 4 यूनिट कर रहे हैं और ये 3 यूनिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए प्लस सी 3 और ए प्लस बी 4, तो बी कितना हो गया? बी कर रहा है 1 यूनिट, भाई 4 − 3 1 यूनिट, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 60/1 60 days इज द करेक्ट। एक देखिए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए ट्रेन बी इन रेशियो 3:4 एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी एंड सी इन 2:3, ये भी आपका वही जैसा वो आपके एक एजेज वाला है वैसे ही आपको इनको क्लब करना है, भाई ये आपकी ए आ गई, ये बी आ गई, और ये बी और सी आ गई, क्या दिया है? ए और बी का रेशियो आपका है 3:4 और बी और सी का रेशियो है 2:3, राइट। तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो गया ए बी सी का, अगर स्पीड का मैं रेशियो देखूं, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी स्पीड ऑफ बी एंड स्पीड ऑफ सी, तो ये 3:4:6, ये तीनों का स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी का रेशियो आ गया। इफ ट्रेन ए हैविंग लेंथ 150 मीटर कैन क्रॉस ए सिग्नल पोस्ट इन 9 सेकेंड, तो स्पीड ऑफ ए क्या आ गई, भी जब वो अपनी लेंथ जब सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आगी उसकी खुद की लेंथ वो है 150 और बटा टाइम टाइम 9 सेकेंड, तो ये उसकी स्पीड ऑफ ए की आ गई। अब आपसे पूछा है तो स्पीड ऑफ ए मतलब ये 3 पार्ट की वैल्यू आ गई, और आपसे पूछा है कि ट्रेन सी की, तो इसे डबल कर दीजिए, तो × 2 कर दीजिए, भाई 6 पार्ट की वैल्यू × 2 होगी, और किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन है तो आप 18/5 कर दीजिए, और मीटर पर सेकेंड में है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से आप देखें तो 9 × 2 = 18 और ये हो गया 30, 30 चौके 120 किलोमीटर पर आवर, राइट। एक दिया है आपका टाइम स्पीड एंड बोट का, तो द रेशियो ऑफ स्पीड रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9, वी x/y 9:1 है, या मैं कहूं x 9 के है तो y के, ये आपको गिवन है, एंड इट टेक्स 2 आवर मोर, डेल्टा टी जो है 2 आवर्स दे दिया टू ट्रेवल 240 किलोमीटर इन अपर स्ट्रीम देन सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, 240 किलोमीटर अपर स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, 240 ही डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, तो उनमें जो टाइम लग रहा है उस टाइम का डिफरेंस 2 घंटे दे दिया, तो एक तो छोटा सा आपका फॉर्मूला भी है इसका, क्या है टोटल डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस डी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2 × 40,
टोटल डिस्टेंस होगी और इज इक्वल टू डेल्टा टी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा वाई। तो यहां अगर मैं देखूं 2 गुणा 240 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना है 81 का स्क्वायर माइनस से के स्क्वायर, तो 81 माइनस के 80 के स्क्वायर और बटा के, तो एक के कैंसिल आउट हो गया, ये तीन बार चला गया, ये दो कैंसिल आउट हो गया, के की वैल्यू 3 आ गई, के की वैल्यू 3 है तो वाई आपका, वाई की वैल्यू तो 3 किलोमीटर पर आवर वही आपसे पूछिए। अगर वो स्पीड ऑफ बोट पूछता है नोटी 27 आ जाएगी, राइट। और कन्वेंशनल मेथड से भी अगर आप इसको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी करेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो डिफरेंस से जो 2 घंटे 2 आवर्स इज इक्वल टू क्या हुआ 240 अपॉन 10 के, 10 के क्या ये दोनों का डिफरेंस 8 की माइनस 240 अपॉन 10, राइट। तो ये यहां आप देख लीजिए ये 30 आ गया, यहां आपका ये 24 आ गया, 1 अपॉन के है, तो 30 माइनस 24 6, 2 के इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू यहां भी आपका k की वैल्यू 3 आ जाएगी और उसे आप निकाल लें। एक आपका क्वेश्चन है कार्टिकल इज मार्कअप बाय 25%, मान लो सीपी में उसकी 100% ले लो तो मार्क प्राइस उसकी आ गई 125% एंड सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20, प्रॉफिट है वो 20 रुपए का है, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12 तो सेल प्राइस कितनी आ गई 12% का डिस्काउंट है, तो 12% का डिस्काउंट का मतलब 125% को किससे करोगे 88 से, 88 बटा 100, तो 25 पंजो 125, 25 चौके 100 और ये हो गया 22 पंजो 110%। और आप इनमें देखिए प्रॉफिट 20 रुपए का है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 100% और 110% का डिफरेंस कितना हो गया 10%, और 10% की वैल्यू है 20, राइट। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो 100% कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए, ये 10 है तो सीपी आ गई आपकी 200, राइट। तो एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अब जैसे आपने प्री का एग्जाम दे लिया है और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस में आपके अपने वर्चुअल चैनल पे भी 9:15 PM पर आपका रेगुलर क्लासेस चल रही है क्वांट की, एग्जैक्टली मेंस लेवल, और 11:30 AM पर आपके क्लास चल रही है रीजनिंग की मेंस की, राइट। इसके अलावा प्री की भी 6:15 पे क्वांट की क्लास चलती है, लेकिन मेंस पे जो बच्चे फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये क्वांट और रीजनिंग की बहुत अच्छे सेशन चल रहे हैं, ये प्लीज जरूर देखिएगा, एक बार देखिए फिर आपको अच्छा नहीं लगे डिसकंटिन्यू कर लीजिए। और साथ ही अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स का PDF परचेज नहीं किया तो मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अफेयर क्लाउड का अच्छा कंटेंट है, निश्चिंत होकर परचेज कीजिए और सिर्फ 350 में मिल रहा है और 10% की रिबेट भी अगर बच्चे उसका कोड यूज करते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है या जो टेस्ट सीरीज थी वो एडजस्ट हो गई है तो ये भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, प्रैक्टिस मॉक का बहुत अच्छा कंटेंट है, आप निश्चिंत होकर परचेज कीजिए। और इसका भी प्लान है वो स्क्रीन पे है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अल्टीमेटली लास्ट में फिर वही आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और जो वीडियो आपको अच्छा लगे उसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।